एनक्रोचमेंट रिमूवल की ड्राइव चलाते रहेंगे। उस दौरान अगर किसी का सामान बाहर मिला, उस सामान को जमा करते हुए अगर उसके सामान में कोई नुकसान हुआ तो वो दुकानदार खुद जिम्मेदार होगा, उसके लिए कोई पुलिस वाला जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आप आके हमसे आके बोलेंगे कि जी हमारा सामान टूट गया, जमा हो गया, छूट नहीं रहा, हमारा नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज मैं पूरी सर्वसाधारण को सूचित करके जा रहा हूँ, SI नरेंद्र नाम है, मैं यहाँ का डिवीजन ऑफिसर हूँ। चितली कबर मार्केट में दोनों साइड अगर किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट मिलता है तो वो इंक्रोचमेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। अभी बहुत जल्द आपकी दुकान के आगे एक मार्किंग करी जाएगी, वो मोस्ट प्रोबेबली कल तक हो जाएगी। और उस पेंट की लाइन से बाहर अगर हमारा स्टाफ आए तो हमें वो पेंट की लाइन दिखनी चाहिए, वो पेंट की लाइन छिपी नहीं होनी चाहिए। उससे बाहर अगर किसी का भी सामान हुआ, कुछ भी सामान हुआ, वो सामान जब्त होगा जबी के जबी, और इंक्रोचमेंट रिमूवल के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। जो पर्चा जो होता है, जिसे बोलते हैं FIR, उसे बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग सभी व्यापारी लोगों हमारी बात पे जो है अमल करना, और इसको जो है ना ज्यादा बेइज्जती की तरफ मत फील करना। इसको आप ये मान के चलो हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहे हो, आप लोगों की खुद की जिम्मेदारी है।